व्रत और उपवास में खाए जाने वाला फराड़ी चिवड़ा। बाजार से भी अच्छा, टेस्टी और काफ़ी सारी मात्रा में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। राजगिरा, धानी और टूटी फ्रूटी डालने से ये एकदम यूनिक बन जाता है। तो ऐसी यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मितिक्षा मोदी, और आज हम बनाएंगे फराड़ी चिवड़ा। तो सबसे पहले हम ये आलू के लच्छे लेंगे। ये आलू के लच्छे मैंने जब मार्केट में आलू अच्छे वाले मिलते हैं तब मैंने ये आलू को पील ऑफ कर लिया था और फिर ग्रेट कर लिया था। उसके बाद उसको दो तीन बार पानी से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसको सेंधव नमक डाल के 5 मिनट उबाल लिया था और फिर पानी उसका निकाल के उसको कड़ी धूप में सुखा लिया था। और बाकी मैंने ये मखाने, राजगिरा धानी, फिर कोकोनट की स्लाइस और टूटी फ्रूटी ये सब लिया है। एक कढ़ाई में मैंने ये मूंगफली का तेल लिया है और उसके अंदर ये आलू के लच्छे डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। और करीब मैंने 50 ग्राम आलू के लच्छे लिए हैं। इंस्टेंट भी आप आलू को ग्रेट करके फिर पानी से वॉश करके ऑयल में फ्राई करके आप बना सकते हो। अब मैंने ये काजू और बादाम को स्लाइस करके लिया है, तो ये भी करीब 50 ग्राम जितना लिया है और हल्का सा गोल्डन कलर आए तो अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये ड्राई कोकोनट 50 ग्राम जितना स्लाइस करके लिया है और उसका भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आए तब तक उसको फ्राई करके फिर एक प्लेट में निकाल देंगे। ये कच्ची वाली मूंगफली लिया है, वो 2 टेबलस्पून जितना लिया है, तो उसको भी स्लो फ्लेम पे फ्राई करके एक प्लेट में निकाल देंगे। अब दूसरी एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लेना है। और इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड करना है। जीरा चटक जाए उसके बाद 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा सौते करेंगे जिससे ये हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे और उसको भी हल्का सा सौते करेंगे। अब ये मखाने 20 ग्राम जितने इसके अंदर ऐड करना है और उसको भी रोस्ट करना है। उसको 5-10 मिनट के लिए रोस्ट करना है जिससे ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। मार्केट में ये राजगिरा धानी का ऐसा पैकेट इजीली मिल जाता है, तो ये करीब मैंने 20 ग्राम जितना लिया है। अगर आपके पास ये धानी नहीं है तो ये धानी के जो चिक्की मिलती है तो उसको भी आप मिक्सर में ग्राइंड करके ऐड कर सकते हो। अब ये जो हमने सब फ्राई करा था तो वो उसके अंदर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून पेपर पाउडर। अब इसके अंदर सेंधा नमक ऐड करेंगे जो हम फराल में खा सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। चीनी और टूटी फ्रूटी हमें गैस बंद करने के बाद ही ऐड करनी है। मैंने पहले भी मेरे काफ़ी सारे व्रत स्पेशल रेसिपीज़ के वीडियोस मेरी चैनल पे पोस्ट करे हैं, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।